फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस की सफलता तो हर कोई जानता है, किंग खान की फिल्म की जबरदस्त सक्सेस और कोई पार्टी ना हो ये भला कैसे हो सकता है। तो चलिए आपको चेन्नई एक्सप्रेस की सक्सेस पार्टी पर लिए चलते हैं। इस पार्टी में कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने भी हंसी बिखेरी। मेरा जो कैरेक्टर है गजोदर भैया, वो एक बार चले गए नोकिया का मोबाइल खरीदने, वहां गए भाई एक तो मोबाइल दे दो स्क्रीन बड़ा हो, दे दिया। अरे और बड़ी स्क्रीन वाला मोबाइल दो। बोले ये लो, हम कह रहे हैं और बड़ी स्क्रीन का। बोले वापस दर, वापस दर। क्या बड़ी बड़ी स्क्रीन बोल रहे साहब, हम 3 साल से परेशान हैं, हमारे पास नोकिया का मोबाइल है मगर एक परेशानी, उनको बंद करके जब चालू करो तो दोनों तरफ से हाथ आते हैं, हाथ तो हम देख रहे हैं आज तक शरीर नहीं देखा। शाहरुख खान ने इस फिल्म की सफलता पर कुछ शब्द कहे और लोगों का शुक्रिया अदा किया। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जितने लोगों ने हमेशा जो फिल्म बनाते हैं उनके बारे में हम लोग जो हीरो लोग हैं सारा क्रेडिट लेके चले जाते हैं, तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी आगे आ जाते हैं, एक्टर्स आ जाते हैं, बट आई थिंक द पीपल हु आर रियली बिहाइंड द फिल्म दे नेवर गेट अ चांस टू एंजॉय द फिल्म एज मच इन फ्रंट ऑफ एवरीवन एज द रेस्ट ऑफ द पीपल। सो टुनाइट इज डेडिकेटेड टू ऑल द 300 पीपल हु वर्क्ड वेरी वेरी हार्ड ऑन द फिल्म एंड आई विश देम द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। शाहरुख ने कहा कि इस फिल्म की सफलता का श्रेय इस फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी को जाता है। ब्लॉकबस्टर फिल्म, आई थिंक द ओनली डायरेक्टर इन द वर्ल्ड हु राइट्स रोहित शेट्टी एंड टीम, सो ये टीम है सारी की सारी, एक दो इसमें भी मिसिंग है अंदर जा चुके हैं और जो बाकी भी आ रहे हैं, बट दिस इज द टीम ऑफ रोहित शेट्टी, सो आई थिंक द बॉयज एंड गर्ल्स हु वर्क द हार्डेस्ट बिहाइंड द फिल्म, सो गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर चेन्नई एक्सप्रेस एवरीवन। चलिए अब एक नजर डालते हैं राजू श्रीवास्तव के हंसी भरे अंदाज पर। हम जब ये फिल्म देख रहे थे यही चेन्नई एक्सप्रेस, तो पहले हम सोचे कि दिलवाले दुल्हनिया देख रहे हैं का, तो वही प्लेटफार्म वही मंदिर हीरो बैठा है, फिर हम देखा अरे काजोल भाभी नहीं है, तो वहां पे रही दीपिका, अरे हमने कहा यहाँ पे थोड़ा अलग किया रोहित शेट्टी ने, फिर अंदर बैठ गए, फिर उन्होंने एक हीरोइन को अंदर बुला लिया, तो हमने कहा फिल्म खत्म, क्यों दिलवाले दुल्हनिया वहीं पे खत्म हो जाती। देखा तो पीछे से एक जाड़िया चला रहा मोटा दौड़ा चला रहे, हमने कहा खर्चा किया है भाई, एक जाड़िया आया दूसरा जाड़िया आया तीस चार चार जाड़िया, हम कहा पिक्चर अलग बनाया है भाई, हट के पिक्चर बनाया है, तो चारों का कॉस्ट्यूम भी कोई किया होगा, मनीष मल्होत्रा किया है, कहाँ है? अच्छा वो गए, अच्छा अच्छा वो चले गए अब ओके बाद, लेकिन भैया इतनी महंगी महंगी आप गाड़ी, जाड़ियों का कॉस्ट्यूम है नहीं, जाड़ियों का आपने, इतना पतला आदमी ऐसा शरीर खाली सरिया पड़ी है, इतनी महंगी महंगी आप गाड़ी उड़ा रहे हैं, नैनो वगैरह उड़ा लिया करो क्या, नहीं तो देखते देखते लगता आ लगती, अरे बाप रे बाप, बाद में हमें कोई बताया, बोले चिंता ना करो ये सब लकड़ी की है, गलत इन्फॉर्मेशन गलत है ओके ओके, लेकिन बाद में हम ढूंढते रहे, शाहरुख भैया रहे और दीपिका जी रही, ओके बाद हमारे हिंदी वाला कोई एक्टर आया नहीं, हम कहा कहीं मद्रास की वो डबिंग पिक्चर तो नहीं देख रहे, लेकिन बाद में कोई बताया नहीं भाई ओरिजिनल है, लो बहुत मेहनत किया है, तब आज जब पिक्चर हिट हुई सुपर डुपर हुई और ब्लॉकबस्टर हुई, तब हमने कहा हम जाऊंगा इनकी पूरी टीम को। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए, हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर, खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।